देखना और वीडियो बनाने। चैनल कामनी सिंह, कैसे हो आप लोग? आई होप अच्छे होंगे। एंड आज मैं आप लोगों के साथ अपने आज का जो दिन है, जो इतना भागम भाग में बीती है, मैं बता रही हूँ, अभी दोपहर के 12 बजे हैं और मैं कहाँ कहाँ से घूम के आ गई हूँ वो सारी बातें बता रही हूँ, और घर में क्या हो गया, कैसे हो गया, वो सारी बातें आपसे शेयर कर रही हूँ। एक्चुअली सुबह सुबह जब से मैं उठी हूँ बस भाग रही हूँ, इधर से उधर, इधर से उधर, इधर से उधर, भाग भाग के थक चुकी हूँ। अभी मैंने नाश्ता नहीं किया, अब मैं जा रही हूँ नाश्ता करने। एक्चुअली क्या हुआ कि हमने कल रात को प्लान किया था कि सुबह कालका मंदिर जाएंगे दर्शन करने, कालका माता का। तो हाँ बेटा, माता का बोलो, कालका माता, हाँ दर्शन करने जाएंगे। लेकिन रात में मम्मी की तबीयत थोड़ी सी खराब हो गई तो उन्होंने कैंसिल कर दिया, बोला कि नहीं नहीं जाएंगे, आराम से ही उठना। तो ऐसा हुआ कि मैं सुबह उठी, अपना नाश्ता वास्ता बना रही थी, फिर मम्मी की तबीयत थोड़ी सी ठीक लगी तो वो कह रही है ऐसा करते हैं, चल लेते हैं, घूम लेते हैं, घूमे आते हैं, दर्शन करे आते हैं, अब मन बनाया है तो कैंसिल करना अच्छा नहीं लग रहा। तो प्लान ये था कि मैं, मम्मी और जो मेरे देवर है विकास, वो सुमित के साथ, सुमित को तो आप जानते ही हो जो मेरे देवर है, उनके साथ हम जाएंगे मंदिर दर्शन करने के लिए। क्योंकि जो सुमित है उनका ऑफिस दिल्ली में ही है, वहीं आसपास ही है कालका मंदिर के, नेहरू प्लेस में, तो वहां पे वहीं पे उनको जाना था। तो हमने सोचा कि यहाँ से साथ में निकल जाएंगे, साथ में दो चार और काम भी ले लिया मम्मी ने, तो सारा काम करते हुए, और उधर से आ जाएंगे हम अपना कैब करके। उन्होंने बोला इतनी जल्दी तो तैयार नहीं हो पाओगे, फिर कैसे क्या करोगे। मम्मी ने बोला नहीं, मन बना लिया है तो लग रहा है कालका माता बोल रही है आज ही आ जाओ, तो हम चल रहे थे कैसे। फटाफट उठे, फटाफट से नाश्ता बना के फटाफट तैयार हुए, और उसके बाद और जो भी बाकी काम था निक्की के ऊपर छोड़ा, बिकॉज बाबू सोया हुआ था तो बाबू को लेके नहीं जा पाए थे बेचारा चुन्नू मुन्नू सा, तो वही मैं आज आप लोगों से शेयर करूंगी। देखो अभी भी रो रहा है कि कितना रोया था, आओ इधर, चलो हाँ चलो चलो चलते आ जाओ। तो हमने सोचा कि बाबू को सोते हुए छोड़ के और फिर चलते हैं, निक्की है वो संभाल लेगी, तो इसी वजह से निक्की को घर पे रुकना पड़ गया। तो वो अपना काम वाम पे भी नहीं निपटाई थी तब तक बाबू उठ गया और इतना आज उसे परेशान किया है, तो उससे भी बात करते हैं कैसे कैसे क्या परेशान किया, कैसे उसने हैंडल किया, बिकॉज मुझे लगता है इतनी देर के लिए अकेले आज पहली बार उसने हैंडल किया है, इससे पहले भी है, लेकिन एक्चुअली ये इस बार ये हो गया कि निक्की और पापा जी जो है यही बस दोनों साथ में थे, तो दोनों में से किसी की बात सुन नहीं रहा था, रो रहा था। तो फिर भी जब मैं आई तो चुप था, खेल रहा था, यानी कि निक्की ने हैंडल कर लिया था। तो उससे आज मैं पूछूंगी कि उसने कैसे आज क्या, कौन सी जादू की छड़ी घुमाई, क्योंकि जब भी उठता है तो सबसे पहले मुझे ढूंढता है, तब जाके चुप होता है। तो आज मैं मम्मी से बात करती हूँ, बहुत ही भागम भाग हुआ है विकास से, निक्की से, कैसा हमारा दिन बीता वो हम शेयर करते हैं। एक जने जो मेरे साथ गए थे वो यहीं पे हार थक के बैठे हुए हैं, थोड़ा सा फोन में अपना टाइम बिता रहे हैं, फोन ही आजकल सब कुछ हो गया है ना। हाँ तो इनको से जरा बताना क्यों थके हो इतना, आज क्या हुआ था हमारे साथ? सुबह सुबह से बहुत दौड़ रहे हैं। दौड़ दौड़ के पैर में दर्द हो गया है, भाग भाग के इस बेचारे की हालत देखो कितने सुस्त लग रहे हैं। ओहो बहुत थक गए हैं, हुआ क्या था? आज सुबह उठ उठ के मंदिर गए हैं जो कि बिल्कुल मतलब कैंसिल हो गया था कल रात को, हाँ, और सुबह प्लान बना और एकदम से भाग भाग के गए। और आप लोगों को पता है एक फोटो तक हम क्लिक नहीं कर पाए, ब्लॉग बनाए हैं, छोटा सा होगा, अच्छा होगा कि बुरा होगा वो तो आप कमेंट करके बताओगे, बट हम बहुत बुरे तरीके से थक चुके हैं, घर आए हैं, ये इधर पड़े हैं, मम्मी उधर पड़ी है, मैं इधर पड़ी हूँ, सामान भी बहुत सारा लेके आए हैं, उसको भी अरेंज करना है, एंड धनुआ को जा रही मैं अब नाई नाई करवाने, फिर पूछेंगे कि धनुआ मम्मा के बिना कैसे था, है ना धनुआ? ठीक है चले, ठीक है, ये थक चुके हैं, ये कुछ नहीं बोलेंगे आज, आज बोले मुझे शक्ल देखिए इनकी, बोलती ये फेक स्माइल है, कितना कैमरे के सामने मैं और अच्छा लगूं। आप वैसे क्यों तो स्मार्ट हो, बहुत कमेंट आ गए हैं, तो अब इससे ज्यादा नहीं बोल सकते। चलो ओके मिलते हैं मम्मी से। ट्रक है आपको, मम्मा छोड़ के चली गई थी, कहाँ गई थी? मंदिर, कालका मंदिर, फिर आप मम्मा को मिस कर रहे थे,
अब देखो ना मम्मा के लिए रो रहे थे आप, कैसे रो रहे थे बताओ? ऐसे रो रहे थे हा? आप अपने फैंस को बता दो, हेलो बोल दो अपने फैंस को, हेलो बोलो, बोलो हेलो, आता है आपको ऐसे बोलो हेलो, ऐसे बोलो हेलो फ्रेंड्स, कैसे हो आप लोग? अच्छे हैं। हाँ बोलो मेरे वेलकम टू माय चैनल कामनी सिंह, बोलो बोलो मम्मा का चैनल, बोलो मम्मा का चैनल कामनी सिंह। हाँ लाइक करो, शेयर करो। और आप बताओ जब मम्मा चली गई थी आपको छोड़ के दादी के साथ, तो आप किसके पास थे? किसके पास थे आप? निक्की पास। अच्छा निक्की ने दूधा पिलाया, खाना खिलाया और घुमिस कराया, और बाबा ने बजरंगी को बुलाया बाबा ने, और किसको बुलाया? नहीं बुलाया दीदी, बजरंगी सुभाष और दीदी को बुलाया था आपसे खेलने के लिए। क्या क्या करना पड़ता है ना आपको मनाने के लिए, फिर आप चुप हो गए? और सुनो उठ के आपने मम्मा को ढूंढा था? हाँ। कि मम्मा कहाँ है? कैसे बोल रहे थे आप? अच्छी है। कौन अच्छी है? पेशागी, पेशागी। आप ऐसे बात करोगे अपने फ्रेंड से? हाँ प्रेस वाली आंटी आ गई, अभी हम उनको कपड़े दे देंगे, ठीक है? तो अपने फैंस को बाय बोल दो, इधर देख के बोल दो बाय फैंस, लव यू, लव यू बोल। ओ बाहर दीदी को बाय बोल रहे हो, लव यू बोल दो अपने फैंस को, लव यू बोल दो सबको। ओह ओहो फ्लाइंग किस इधर भी दे दो इनको भी, ये भी मांगते, वेरी गुड। चलो अब बाय बोल दो, ट्रक अच्छी है तो अब देखो, ठीक है? अब मम्मा जा रही है आपकी इस वीडियो को अपलोड करने, ठीक है? बोलो ढेर सारे लोग देखना, पूरा पूरा देखना, पूरा देखना। हाँ मैं और वीडियो बनाऊंगा। हाँ बोलो मैं और वीडियो बनाऊंगा, वीडियो बनाना। हाँ अब हो गया। हम कालका मंदिर से जब दर्शन करके आए तो उसके बाद वहीं से सीधे हम लोधी रोड चले गए, वहाँ से मम्मी का मेडिसिन लेना था, डॉक्टर को दिखा के हमने मेडिसिन लिया, और उसके बाद हमारे घर का थोड़ा राशन पानी लेना था तो वो हमने लिया, ये सब कुछ भाग भाग के जल्दी जल्दी लिया क्योंकि धनवा को हम घर पे छोड़ के गए थे और वो परेशान कर रहा था निक्की को, तो इसलिए हम जल्दी जल्दी लिए, आप राशन वगैरह देख सकते हो। उसके बाद फिर मुझे सारा अरेंज करना था तो जितना हो पाया वो सारा मैंने वो सब कुछ अरेंज किया जल्दी फटाफट। और आज तो धनवा ने अपने बाबा को भी बहुत परेशान किया था, पता नहीं क्या क्या करना पड़ा उन्हें भी धनवा को मनाने के लिए। तो फिर उसके बाद आपने धनवा को देखा ही कैसे बात कर रहा था कि कैसे कैसे किसने क्या मनाया, तो उसने बहुत परेशान किया और मैं बिल्कुल थक चुकी थी। सब कुछ अरेंज करने के बाद मैं गई आराम से और सो गई। उसके बाद क्या हुआ वो एक ब्लॉग है उसमें आप देखोगे, सरप्राइज़ के चक्कर में मेरे साथ क्या हुआ था, तो नेक्स्ट ब्लॉग आएगा उसमें आप देखना। एंड कालका माता के वहाँ जब हम गए थे दर्शन के लिए उसका भी ब्लॉग है, मैं वो भी आप लोगों को ज़रूर दिखाऊंगी, आप लोगों के साथ शेयर करूंगी। एंड हाँ अगर आप लोगों को मेरा ये ब्लॉग पसंद आया तो प्लीज़ इसे लाइक करना और शेयर करना, और अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। तो गाइज इस ब्लॉग को पूरा देखना क्योंकि लास्ट में मैंने वो सीन भी ऐड किया है कि मैं आई हार थक के सोई हुई थी, उसके बाद मुझे पता चला एकदम से कि आज ही जाना है मेरे हस्बैंड को लखनऊ, तो वो लखनऊ चले गए, तो बुरा लगा थोड़ा सा। कोई नहीं वो भी देख लो आप लोग किस लिए गए हैं। सच में अब मैं बिल्कुल थक चुकी हूँ, भाग ऊपर से आई घर पे थोड़ी देर बाद जो धनवा ने वो परेशान किया, आज वो परेशान किया कि अब जाके सोया है तब जाके, और अब मैं भी जा रही हूँ सोने क्योंकि ये अब सो चुका है, क्योंकि ये देखो ये देखो ये धनवा सोया हुआ है, धनवा सो गया है, अब मैं भी सोऊंगी बिकॉज मैं थक गई हूँ और मुझे नींद भी आ रही है। ये रात में भी सोने नहीं दे, यहाँ रात को भी आज जगा हुआ था और सुबह भी जल्दी उठ गए, इसलिए सर ये सो गया है जल्दी। तो ठीक है फिर मिलते हैं, मुझे मैं भी आराम करती हूँ, आप लोग भी आराम करो, एंड गुड आफ्टरनून, बाय बाय, मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में, लव यू। जी मुझे छोड़ के जा रहे हैं घूमने के लिए, घूमने जा रहे हैं? हाँ। नहीं ये अपने ऑफिस के काम से जा रहे हैं, कल तक आ जाओगे? यस।
अभी हम जब से यहाँ पे आए हैं नोएडा, तब से फर्स्ट टाइम ऐसा हुआ है कि ये जा रहे हैं कहीं पे और कल रात को नहीं, आज रात को घर पे नहीं रहेंगे और कल परसों नहीं, दो रात को नहीं रहोगे? ये तो मैंने सोचा है, कल तक आ जाओगे। आ जाएंगे, कोई नहीं, देखते हैं क्या करते हैं, रह लूंगी ठीक है, ज्यादा वो करने की जरूरत नहीं है।